दोस्तों लर्निंग लाइसेंस के लिए 500 केबी के अंडर अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ये वाले एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, डॉक स्कैनर। अगर दोस्तों आप डॉक स्कैनर लिखते हैं गूगल प्ले स्टोर में तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। फिलहाल के लिए हमने डाउनलोड कर लिया है तो हम यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इस टाइप का इसका यूजर इंटरफेस होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। दोस्तों डाउनलोड कर लेने के बाद आपको यहां पर जैसे ही ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने यहां पर दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि कैमरा और इमेज। तो आपको सैंपल यहाँ कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो भी चीज़ को स्कैन करना है, जैसे कि मान के चलिए कि ये वाला हमारा पास फॉर्म वन है, हमें फॉर्म वन को भी स्कैन करके अपलोड करना होता है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से रख देंगे और बिल्कुल चारों तरफ से दोस्तों गैप होनी चाहिए और एक फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको लगता है कि फ्लैश मार के फ़ोटो क्लिक करने से हमारा फ़ोटो ज़्यादा बेहतर आएगा तो आप फ्लैश मार के कर लेंगे। अगर लगता है कि नहीं फ्लैश ऑफ करके फ़ोटो क्लिक करेंगे तो बेहतर आएगा तो आप उस प्रकार से भी कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर फ्लैश को ऑन करते हैं और ऑन करके दोस्तों फ़ोटो को क्लिक करते हैं। तो हमने फ्लैश ऑन कर दिया, हमारे चारों तरफ दोस्तों गैप हैं, तो हम यहाँ कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करके थोड़ा सा भी आपको मोबाइल को हिलाना नहीं है, बिल्कुल स्टॉप करके एक ही जगह में रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्रॉप करने के लिए कहेगा, ये वाले जो लाइन देख रहे हैं दोस्तों ये हमें क्रॉप करने के लिए कहेगा, तो आप यहाँ से अपने ज़रूरत के मुताबिक क्रॉप कर लेंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट को उस हिसाब से स्कैन किया जाता है कि इसके कोना कटनी नहीं चाहिए, तभी डॉक्यूमेंट को वैलिड माना जाता है। तो हम यहाँ से हल्का हल्का थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ताकि हमारा कोना कटे ना, कुछ इस प्रकार से। करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दोस्तों शो हो जाता है वेरिएंट, तो आप यहाँ वेरिएंट पर क्लिक करके इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ शो हो जाता है रीटेक, अगर आपके ये फ़ोटो क्लिक सही नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर रीटेक पर क्लिक करके फिर से फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ शो होता है कंटिन्यू, तो अगर सब कुछ सही है तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिलहाल के लिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वेरिएंट पर क्लिक करेंगे। वेरिएंट पर जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, आप उस कलर के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को कलर का रंग दे सकते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इन सब पर क्लिक करके आप दोस्तों कलर दे सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन ओरिजिनल का है, तो आप इस पर क्लिक करके ओरिजिनल की तरह भी आप रख सकते हैं। हम यहाँ वेरिएंट पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए हमारा डॉक्यूमेंट दोस्तों थोड़ा अच्छे दिख रहा है, तो हम इसे सही रखेंगे और वेरिएंट पर ही रखेंगे। तो हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते ही दोस्तों हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम यहाँ फिर से राइट क्लिक कर देते हैं। राइट क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार के हमारा डॉक्यूमेंट दिखेगा, आप चाहें तो यहाँ से इसका कलर फिल्टर भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम ये रहने देते हैं, हमारा ये सही है, आप अपने हिसाब से दोस्तों देख लेंगे, क्योंकि स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट ऐसे भी ना लगे कि अलग दिख रहा है, बस ओरिजिनल की तरह दिखनी चाहिए। तो हम यहाँ फिर से राइट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप राइट पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज शो हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने दोस्तों शो हो रहा है सेव, तो आपको यहाँ सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करेंगे फिर से एक पेज पर ये चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आप फाइल साइज़ देख रहे हैं 179 KB का हमारा शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ PDF JPG शो हो रहा है। दोस्तों जब हम लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारा PDF भी सपोर्ट करता है और JPG भी सपोर्ट करता है और JPEG भी सपोर्ट करता है। तो हम यहाँ से PDF में सेव करेंगे। और इसे दोस्तों PDF में सेव करने से पहले आपको लगता है कि आपका फाइल का साइज़ ज़्यादा हो गया है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा होगा कंप्रेस नाउ, तो इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों हमारा ये साइज़ सही है, तो हम यहाँ फिर से सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों क्या चीज़ में सेव करना चाहते हैं, PDF में या JPG में, जो भी में सेव करना चाहते हैं उस पर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। तो हम यहाँ से PDF में सेव करना चाहते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा होगा इंटरनल स्टोरेज, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी एक गैलरी में ले जाएगा,
आप यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फोल्डर आ जाता है, हम यहाँ अलार्म फोल्डर पर सेव करना चाहते हैं तो इसके ऊपर में क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ शो हो जाता है यूज दिस फोल्डर, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है, फिर अलाउ करना है। अलाउ करते ही दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट सेव हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा सेव सक्सेसफुली हो गया है। अब उसके बाद हम यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डन पर क्लिक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट सेव हो जाएंगे, जो भी चीज़ आपने स्कैन किया था और जितने केबी को बनाने की कोशिश किया था उतने केबी दोस्तों ये बन जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये तो मान के चले कि हमने फॉर्म वन को स्कैन कर लिया। अब दोस्तों हमें आधार कार्ड भी अपलोड करने होते हैं और आधार कार्ड में फ्रंट साइड भी होता है और बैक साइड भी होता है, तो उसको आप किस प्रकार से स्कैन करेंगे चलिए वो भी देख लेते हैं। सिंपली आपको बैक करके पीछे आना है, पीछे आने के बाद आप फिर से वहीं आ जाएंगे और अपने आधार कार्ड को निकाल लेंगे। आधार कार्ड को निकालने के बाद कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और दोस्तों क्लिक करने के बाद इस प्रकार से फ़ोटो क्लिक करेंगे, बिल्कुल एकदम क्लीन फ़ोटो। दोस्तों अगर आपको लगता है कि फ्लैश मार के ये भी फ़ोटो क्लिक करने से अच्छा आएगा तो आप यहाँ पर देख लेना अपने हिसाब से। तो देखिए हम जब फ्लैश मार रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारा फ्लैश आ जा रहा है, मतलब ये डॉक्यूमेंट हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने फ्लैश लाइट को ऑफ कर देते हैं। फ्लैश लाइट ऑफ करने के बाद इस प्रकार से बिल्कुल एकदम सीधा रख के फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। जब दोस्तों क्लिक करेंगे आपको मोबाइल को हिलाना नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत पकड़ के रखना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर हो गया है फ़ोटो क्लिक। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके इसको क्रॉप कर लेते हैं ताकि एकदम ओरिजिनल की तरह ना लगे, जीरोक्स की तरह लगे, मतलब कि स्कैन किया हुआ लगे। तो हम यहाँ से इस प्रकार से क्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आप चाहें तो इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ वेरिएंट पर क्लिक करके। फ़िलहाल के लिए दोस्तों ये हमारे वेरिएंट पर है तो हम वही रहने देंगे, फिर यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों हमारा एक फ़ोटो क्लिक हो गया। अब इसके बैक साइड के भी फ़ोटो हमें अपलोड करने होते हैं, आधार कार्ड को बैक साइड की तरफ करके और इसका भी एक फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं एक फ़ोटो। तो देखिए दोस्तों हमने फ़ोटो क्लिक कर लिया और मोबाइल को बिल्कुल शांत पकड़ के रखे हैं। फिर से हम यहाँ पर अपने हिसाब से इसे क्रॉप कर लेंगे कि हमें इतना सही लगता है। तो देखिए ये हमारा क्रॉप हो गया और इसे भी हम वेरिएंट पर ही रहने देंगे और यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही दोस्तों आपका फ़ोटो यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक शो होगा, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका आधार कार्ड दोस्तों यहाँ पर शो हो रहा है और दोस्तों आधार कार्ड के बैकग्राउंड में हमारे यहाँ पर नीली चादर हमने बिछाई हुई है तो इसीलिए हल्का हल्का नीला भी लग रहा है। तो दोस्तों इससे पहचान होता है कि ये ओरिजिनल के साथ ही इसे हमने स्कैन किया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं कि आपके आधार कार्ड के कलर वगैरह डिटेल्स वगैरह सब कुछ क्लीन आ रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पर शो हो रहा होगा दोस्तों सेव। तो आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आता है, ये दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि जो फाइल आप अभी देख रहे हैं उसी को सेव करना है या दोनों को। तो दोस्तों हमें दोनों को सेव करना है एक साथ, तो हम यहाँ पर सेव इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप फिर से वही पेज पर चले आएँगे और यहाँ पर इसका साइज़ देखेंगे दोस्तों आपके सामने शो हो रहा होगा 604 KB। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके फाइल साइज़ कम करना होगा और यहाँ से दोस्तों आप सिलेक्ट कर लेंगे कि PDF में सेव करना चाहते हैं या JPG में। तो हम PDF में सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ PDF पर क्लिक रहने देंगे और हमारा ये PDF पर क्लिक भी है। हम इसका फाइल साइज़ दोस्तों कम करना चाहते हैं तो हम यहाँ कंप्रेस नाव पर क्लिक करेंगे। कंप्रेस नाव पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपके सामने साइज़ कम करने के लिए दिया हुआ है, जैसे कि अभी ये हमारा हाई पर है तो हम यहाँ पर हल्का सा पीछे करेंगे, 93% 94% ये हमारा हो गया। तो देखिए अभी हमारा डॉक्यूमेंट 593 KB का है तो और हम थोड़ा सा कम करेंगे, अभी दोस्तों 596 KB का है तो हम यहाँ गुड पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए अभी हमारा डॉक्यूमेंट 500 KB का है। तो आपको एकदम 500 KB में नहीं सेव करना है, उससे थोड़ा कम ही सेव करना है, अंडर 500 KB के सेव करना है। तो थोड़ा सा और हम यहाँ कम कर देते हैं। तो देखिए अभी हमारा 470 KB का है, ये हमारा परफेक्ट एकदम सही है। तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पर दोस्तों शो हो जाता है सेव। तो आपको यहाँ सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 470 KB में इसको बनाया, तो देखिए हमारा यहाँ शो हो रहा है और यहाँ पर हमने PDF पर हमारा ये है, हमें PDF में सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करेंगे फिर से आपका फोल्डर आ जाएगा। अगर दूसरे फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं तो थ्री लाइन पर क्लिक करके दूसरे फोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ जो हमारा फोल्डर शो हो रहा है हम उसी में सेव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ यूज दिस फोल्डर पर क्लिक करेंगे। यूज दिस फोल्डर पर क्लिक करने के बाद अलाउ करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली हो गया है 500 KB के अंदर, और यहाँ से हम डन कर देंगे। उसके बाद चलिए आपको ओपन करके दिखाते हैं ये डॉक्यूमेंट आपका कहाँ सेव होता है। तो आपको सिंपली यहाँ जो फाइल मैनेजर शो हो रहा है आपका फ़ोन का, फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये फाइल मैनेजर खुल जाएगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट शो हो रहा है तो इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट शो हो रहा है और भी बहुत सारे हैं, तो हमने जो अभी किया है दोस्तों यही दो हैं। तो हम पहले वाला पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ड्राइव PDF व्यूअर पर क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा ये आधार कार्ड है, ये फ्रंट साइड का है और ये बैक साइड का है, और दोस्तों बहुत अच्छे प्रकार से ये डिटेल्स है। और इसके साइज़ भी आपको दिखा देते हैं, इस पर क्लिक करके रखेंगे टिक आ जाएगा, थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ 470 KB शो हो रहा है। उसी के साथ दोस्तों हम क्या करेंगे जो दूसरे वाले हमने स्कैन किए उसको भी देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों इसे हमने स्कैन किया, इसके भी कोने कटे नहीं हैं, साइड में बिल्कुल अच्छे प्रकार से शो हो रहा है। मैंने एग्जांपल के लिए दोस्तों ये लिख कर और आपको दोस्तों स्कैन करके दिखाया है। चलिए बैक करके इसके भी साइज आपको दिखा देते हैं, फिर यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक करते हैं डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो देखिए 175 KB का है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट को 500 KB के अंदर और बहुत ही क्वालिटी एकदम फ्रेश के साथ स्कैन करके अपने लर्निंग लाइसेंस जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही आसानी से आप अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और दोस्तों अगर आपको फ़ोटो सिग्नेचर भी बनाने नहीं आते हैं तो मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है, वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से उस वीडियो को भी जाके देख लेना कि फ़ोटो सिग्नेचर किस प्रकार से दोस्तों बनाया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई के लिए। तो इस प्रकार से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं।